ओके सर, पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद भारत में फिर से एनडीए की सरकार ने नारा दिया है, उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार पर। साथ ही विपक्षी दलों ने, साथ ही विदेशी मीडिया ने और भारत में भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर मोदी इस बार जीतते हैं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आती है तो वह एक तानाशाह बन जाएंगे। पर क्या भारत में ये संभव है कि कोई तानाशाह बन जाए? क्या भारत में इसके पहले कोई तानाशाह दिखा है? इसके पहले आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी 1975 में जब उन्होंने इमरजेंसी लागू की तब वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही थी, पर क्या जो है वह सच में तानाशाह बन पाई? क्योंकि अगले ही चुनाव में भारत में न केवल उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी बल्कि वो अपना खुद का लोकसभा चुनाव भी हार गई। तो क्या ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आ सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बीजेपी ने, क्या एनडीए ने, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं पिछले 10 सालों में, या उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो क्या उन्होंने 15 सालों में कुछ ऐसा काम किया जिससे कि कहा जा सके कि वो तानाशाह बन रहे हैं या बन सकते हैं? तो अगर हम विपक्ष को माने, विपक्ष की बात मानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो यूसीसी बिल लागू कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं, या फिर जो है उन्होंने 3 तलाक जैसे जो फैसले किए, आर्टिकल 370 हटाया, या फिर राम मंदिर जो बन रहा है उसके संबंध में भी कह रहे हैं कि वो तानाशाह बन रहे हैं। ऐसे फैसले भारत के जनमानस को सूट नहीं करेंगे, उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर अगर हम इसको सही रूप में देखें, अगर हम भारत की स्थितियों को देखें, तो कुछ ऐसे जो है हम पॉइंट्स निकाल कर आपके सामने रख सकते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता। क्योंकि अगर हम देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही, तो डीपीएसपी में उसे आर्टिकल 44 में शामिल किया गया था कि जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें भारत में जो है, भारत में जनता का दबाव इस तरह से है कि कोई भी व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर एक 5 साल में प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक जो है पार्टी को चुनाव में जाना होता है, और ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता उस पार्टी को हटा ही सकती है, जैसा आपने इसके पहले इंदिरा गांधी जी के साथ देखा भी है। साथ ही कुछ और लोग कहते हैं कि 400 से अधिक सीटें जीतने पर, क्योंकि भाजपा का अब राज्यसभा में भी बहुमत है, तो वह भारत के संविधान को बदल सकते हैं। पर अगर हम इस पर चर्चा करें तो आप कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे कि पिछली सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2014 में सरकार बनते ही एक बिल लेकर आए थे, एनजेएसी, जिसे भारत में 20 राज्यों की सहमति प्राप्त थी। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में न केवल पक्ष ने बल्कि विपक्ष ने भी जो है इसे सहमति प्रदान की थी। ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एनजेएसी एक्ट बन गया था, पर इसके बाद भी केवल चार जजों ने ही इसे जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया और एनजेएसी हट गया। एनजेएसी था क्या? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, या सिंपल जजों को नियुक्त करने के लिए एक कमीशन बनाना, पर जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और सरकार ने इसके संबंध में कुछ नहीं किया, उन्होंने न्यायपालिका का सम्मान ही किया। इसके अलावा भी आप जो है कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जो है फार्म लॉ जो आए थे, या कृषि कानून जो है भारत में दोनों ही सदनों में, संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित हुआ था, पर केवल 2 राज्यों के किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री या सरकार ने आम सहमति बनाने के प्रयास में फार्म लॉ को, कृषि कानून को रद्द कर दिया, जो अगर हम कह सकते हैं कि कृषि कानून जो है किसानों के हित में ही थे, फिर भी उसे हटा दिया। साथ ही इसके अलावा अगर हम देखें राजनीतिक स्थितियों में भी, कि CAA बिल जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लाया गया, पर इसे 2019 में लाने के बाद भी 4 साल तक, जब तक देश में आम सहमति नहीं बनी, इसे लागू नहीं किया गया। साथ ही आप देख सकते हैं लैंड एक्विजिशन बिल अभी भी लागू नहीं किया गया है। और इसके बाद भी अगर हम कहें कि मोदी तानाशाह बन सकते हैं, तो भारत में न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, साथ ही न्यायपालिका न्यायिक रूप से सक्रिय भी है, जुडिशियल एक्टिविज में है, और ऐसा कोई भी संविधान संशोधन या कोई अधिनियम, कोई एक्ट अगर संविधान के विरोध में जाता है तो उसे न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। तो ये कहना
कि भारत में कोई तानाशाह बन सकता है या आज के समय में कोई तानाशाह बन सकता है, यह संभव नहीं है। पर साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि भारत के लिए जरूरी थे, पर विपक्ष को या कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को लग सकता है कि वह जो है देश के लिए ठीक नहीं या प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए हैं, तो उसका हर एक सरकार या कोई भी व्यक्ति है सभी लोगों को वह संतुष्ट नहीं कर सकती है, कुछ विरोध में आएंगे ही। जैसे कि अनुच्छेद 370 को हटाना, पर क्या यह भारत के हित में नहीं था 370 को हटाना? आज इवन जम्मू कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हित में है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां उसके विरोध में कैसे हो सकती हैं? साथ ही अगर आप देखें कि एनसीसी लागू कर देना, नेशनल एनआरसी लागू करना, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर लागू करना भी कुछ विरोधी पार्टियां विरोध कर रही हैं, पर क्या यह भारत के हित में नहीं? क्योंकि लगभग विश्व के सभी देशों में एनआरसी लागू है, तो भारत में भी भारत के अपने ही नागरिकों को लाभ मिले, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं दिखती है। इसलिए जो है ये नहीं कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री वो तानाशाह बन रहे हैं। बस हम अगर प्रधानमंत्री के अपने शब्दों को ही देखें, उन्होंने जैसा कहा कि मेरे लिए भारत का संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है और मेरा एकमात्र उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। ये प्रधानमंत्री का अपना बयान है और ये पब्लिक डोमेन में भी है, तो अपने प्रधानमंत्री के ऊपर थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना सभी लोगों की जिम्मेदारी भी है। सभी भारतीयों को थोड़ा सा जिम्मेदार बनना चाहिए और भारतीय प्रधानमंत्री को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके साथ ही धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।